थोड़ा इधर आ गया पिटिए राग मत आज का हमारा जो एमटीए और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स का एक घंटे का जो प्रोटेस्ट था जिसमें हमने ओपीडीज और ओटीज को डेफर किया है एक घंटे के लिए वो इस इशू को लेके था कि हमारे एक डॉक्टर जो रियासी में काम करते थे वहाँ के डीसी साहब ने किसी भी कारणवश जो है उनको अपने जो एस्कॉर्ट व्हीकल होती है किसी भी वीआईपी के साथ जो है उनकी एक जिप्सी होती है जिसमें पुलिस वाले होते हैं तो उनको अपने पुलिस वालों को बोला कि इस डॉक्टर को मेरी एस्कॉर्ट जिप्सी में जो है वो डाल दीजिए और थाने ले जाइए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और हमें जो रूल करते हैं वो सिविल सर्विसेज रूल्स करते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे वो डीसी हो चाहे वो कमिश्नर हो चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो वो उनका जो वर्किंग है वो सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत होना चाहिए और अगर किसी से भी कोई गलती हुई है तो उसके खिलाफ़ एक इंक्वायरी करिए उसके कमिटी बनाइए उसको आप सस्पेंड करिए। बट ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि जिसमें आप कहेंगे कि भाई पुलिस वालों को कि भाई मेरे इसको पकड़ के मेरी एस्कॉर्ट जिप्सी में डालिए और थाने ले जाइए। ये जो है एक पुलिस स्टेट या एरोगेंस जो होती है ना जो पावर से आती है उसकी हमें आपत्ति है इस चीज़ से। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और कंडम करते हैं और अपने ऑनरेबल गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी जो बहुत ही पीपल फ्रेंडली और एम्प्लॉई फ्रेंडली इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आपने कल भी सुना होगा तो मेडिकल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उन्होंने स्क्रैप किया क्योंकि उसमें उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। अपने एडवाइज़र के श्री विजय कुमार जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल दुल्लू जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इशू को इमिजिएटली सॉर्ट आउट किया जाए और ये जो पुलिस स्टेट वाला सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए और एक एडवाइजरी इशू की जाए सभी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कि फ्यूचर में पहले तो इस मसले का हल किया जाए और डीसी साहब को जो है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और दूसरा सभी जितने भी विंग्स हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के उनको ये क्लियर कट बोला जाए कि जिसको भी काम करना है वो सिविल सर्विसेज रूल्स के दायरे में रह के ही काम करना है। थैंक यू, नमस्ते। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।